नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट वाले मेदू वड़ा रेसिपी। लेकिन ये साउथ इंडियन स्टाइल फीका वाला मेदू वड़ा नहीं है, जिसके लिए आपको कंपलसरी सांभर और चटनी चाहिए। ये एक महाराष्ट्रियन उड़द वड़ा मतलब मेदू वड़ा की रेसिपी है, जिसके अंदर ऑलरेडी हरी मिर्च लहसुन का पेस्ट आता है, जिससे ये मेदू वड़ा आप पकौड़ों की तरह एंजॉय कर सकते हो, या फिर आप कोई भी वेज थाली बनाते हो तो उसमें भी आप एक स्नैक्स बनाते हुए उसे एंजॉय कर सकते हो। मेदू वड़ा बनाने से पहले आपको लगभग एक कप उड़द दाल इस तरीके से अच्छे से धो लेनी है, और 4 से 5 बार अच्छे से धोने के बाद आपको इसे ओवरनाइट तक सोक करके रखना है, या फिर आपको मिनिमम 5 to 6 आवर उसे सोक करके रखना है। सुबह होने के बाद आपको उसे पीस लेना है। लेकिन अगर हम मेदू वड़ा बनाते हैं तो हम पहले दाल पीस लेते हैं, लेकिन ये महाराष्ट्रीय स्टाइल उड़द वड़ा है। इसके लिए आपको सबसे पहले हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को अच्छे से बारीक कर लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लगभग 7 से 8 हरी मिर्च, 10 से 12 लहसुन का लिया और 1 इंच अदरक टुकड़ा लिया है, और बहुत सारा हरा धनिया और उसकी डंडियाँ मैंने उसके अंदर ऐड की है। 1 टेबल स्पून जीरा भी ऐड किया है और उसे इस तरीके सबसे पहले मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसी के अंदर हमारी जो भिगोई हुई उड़द का दाल है वो हमें पीसना है। अगर हम इसके साथ ही सारी हरी मिर्च अदरक पीसते हैं तो अच्छे से बारीक नहीं पीसता है, इसलिए हमने सबसे पहले हरी मिर्च और लहसुन को पीस लिया और उसके बाद हम उसके अंदर ऐड करते हुए दाल को भी पीस लेंगे, ताकि जो हरी मिर्च का जो चटनी है वो दाल के एक बैच के साथ अच्छे से पीस जाएगा। इस तरीके से मैंने फर्स्ट बैच हरी मिर्च लहसुन अदरक के साथ पीस ली और सेकंड बैच नॉर्मल दाल की पीस ली। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको दाल पीसते वक्त बिल्कुल कम पानी का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल 4 to 5 टेबल स्पून पानी ऐड करते हुए आपको बिल्कुल कम पानी में दाल को पीस लेना है, तभी आपके जो वड़े हैं वो तेल में डालते वक्त अच्छे से आएंगे। अब स्वाद अनुसार नमक आपको इसमें ऐड करना है और लगभग 5 मिनट के लिए आपको इसे कंटिन्यूसली हाथ से फेंट लेना है। यही सबसे मेन इम्पोर्टेंट ट्रिक है, जिससे जो हमारे मेदू वड़ा है वो ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, और एकदम फ्लफी होते हुए उसकी जो साइज़ है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। 5 मिनट अच्छे से फेंटने के बाद आपको उसके अंदर बिल्कुल भी सोडा वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फेंटने से जो बैटर होता है वो बिल्कुल फ्लफी हो जाता है और जो वड़े हैं वो बिल्कुल अच्छे से फूल जाते हैं। अब आपको दोनों हाथों को पानी लगाते हुए मेदू वड़ा को शेप देना है, बिल्कुल उसे अच्छे से गोल शेप देना है और अंगूठे की सहायता से उसे होल बनाते हुए उसके अंदर ऐड करना है। आपको मेदू वड़ा बनाते वक्त सबसे पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है, और उसके बाद आपको गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और उसी के बाद आपको मेदू वड़ा फ्राई करनी है। आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने दोनों हाथों को पानी लगा लिया है, उसके बाद आपको मेदू वड़ा उसके अंदर ऐड करना है। जब आप कढ़े में उसको अंदर ऐड करते हो तो आपको वो हाथों को चिपकता नहीं है। मेदू वड़ा तेल में जब आप ऐड करते हो तो आप बिल्कुल सावधानी से उसे डालना है, अदरवाइज जो तेल है आपके हाथों के ऊपर आ सकता है, इसलिए आपको बिल्कुल धीरे से वड़े को उसके अंदर छोड़ना है। अब हमें 1 मिनट के लिए उसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। साइड से वड़े के ऊपर तेल छिड़कते हुए उसके ऊपर की जो लेयर है उसे हमें फ्राई कर लेनी है, और लगभग 2 से 3 मिनट के बाद आपको इस वड़े को टर्न करना है। आप देख सकते हो थोड़ा सा आपको जो गोल्डन कलर दिखने लगेगा तभी आपको उसे टर्न कर लेना है, तब तक आपको उसके ऊपर तेल छिड़कते हुए उसे फ्राई कर देना है। इस तरीके से आपको सच्चे से दोनों साइड से बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई करना है। आप देख सकते हो बिना सोडे के ही जो दाल के वड़े हैं कितने अच्छे से फूल रहे हैं, बिल्कुल आसानी से वो फ्लफी हो रहे हैं, और हमने अंदर होल करने की वजह से वो अंदर से अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इसलिए जब भी आप मेदू वड़ा बनाते हो तो आपको एक मेन टिप याद रखनी है, सब बैटर पीसने के बाद आपको उसे बिल्कुल 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेना है। जितना आप बैटर को फेंटते हो उतने आपके जो वड़े होते हैं वो फ्लफी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी होते हैं। और आप देख सकते हो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है टर्न करने के लिए, अदरवाइज इस तरीके से वो कड़े को या फिर चम्मच से वो चिपक सकता है। इस तरीके से दोनों साइड से आपको मेदू वड़े को फ्राई कर देना है और गर्मा गर्म इसे सर्व करना है। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो इसके साथ आपको बिल्कुल भी चटनी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये कोई भी वेज थाली के साथ परोसते हैं तो आपका एक स्नैक्स आइटम बनके रेडी होता है, और पकौड़े की तरह आप इसे एंजॉय कर सकते हो।
सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे गर्मा गर्म मेदू वड़ा बन के रेडी है। महाराष्ट्र में इसे उड़ीद का वड़ा बोलते हैं। वैसे भी मेदू वड़ा रेसिपी हर घर में बनता है, स्ट्रीट फूड का तो ये राजा है, इसीलिए हर स्ट्रीट फूड में ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में दिखाई देता है, वड़ा सांभर के साथ या फिर वड़ा चटनी या फिर वड़ा मिसल के साथ आपको ये दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ये आप टी टाइम स्नैक्स में या फिर वेज थाली की रेसिपी में ऐड करते हुए आपकी थाली की शोभा भी बढ़ा सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और ये जो वेज थाली रेसिपी है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शेयर की है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू।